सुनिए क्या लड्डू बांट के आज स्वागत हो रहा है। दिवाली मनाई जा रही है, हमारे 41 मजदूर भाई जो है आज सकुशल बाहर आए हैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और आज हम पुनः दिवाली मना रहे हैं उनकी खुशी में, जो है उनके बाहर आने की खुशी में। स्थानीय लोग हैं, मैं बड़कोट से हूँ, नगर पालिका बड़कोट से, और हम लोग जो है आज पुनः उनकी खुशी में जो आज दिवाली मना रहे हैं। दिवाली वाले दिन से वो अंदर है, अब दिवाली भी मनेगी, छठ भी मनेगी, बिल्कुल सब कुछ अब एक साथ मनेगा, बिल्कुल जो है सारा बिल्कुल पूरा मजा आ गया। 41 लोग हमारे सकुशल बाहर आ गए, इससे बड़ी जो है कोई खुशी नहीं है। स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बंट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी, बिल्कुल सर एक बार हमारे साथ आइएगा संतोष। तो देखिए, जब तक मुझे लगता है कि कार्यक्रम मेरा समाप्त होगा तब तक खुशखबरी आ जाएगी कि 41 के 41 मजदूर निकाल लिए गए हैं। एक घंटे में निकाल लिए जाएंगे सभी मजदूर, यह अथॉरिटीज का दावा है। पहले कहा जा रहा था कि चार से पांच मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लगेगा, लेकिन जिस हिसाब से 10 मजदूर निकाले गए हैं उसके बाद ये साफ हो गया है कि वक्त कम लग रहा है। इस वक्त 8:20 हुए हैं, 20 मिनट के अंदर 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, माफ कीजिएगा 15। देखिए, जब अच्छी खबर आती है ना तो कभी कभी शब्द भी डगमगा जाते हैं। और ये देखिए, पुष्कर सिंह धामी सबको शाबाशी देते हुए, ये देखिए पुष्कर सिंह धामी, वीके सिंह, अरे कोई स्थानीय वहाँ के नेता हैं, सबको शाबाशी देते हुए मजदूरों ने हौसला बनाए रखा, हिम्मत बनाए रखी, इसकी भी दाद देनी होगी। हमारे देश का हर आदमी इनके लिए दुआ और प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन जब विषम परिस्थितियाँ होती है ना तभी आदमी के चरित्र की असली पहचान होती है कि वो कितना खड़ा हो पाए। तारीफ करनी होगी 41 मजदूरों को कि विषम परिस्थितियों में जो है इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और इस एक तरह से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक बड़ी फेमस लाइन थी बॉलीवुड फिल्म की, लेकिन इनके लिए ये जिंदगी मिली है दोबारा, और इसके लिए श्रेय देना होगा NDRF को, SDRF को, उन 20 एजेंसियों को जिन्होंने इसके लिए लगातार मेहनत की थी। ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम वर्कर्स, ऐसे तमाम स्थानीय लोग जो लगे हुए थे, पूजा अर्चना कर रहे थे श्रद्धा भाव में बाबा भोलेनाथ के सामने, जो भोलेनाथ के सामने जो है जो श्रद्धा के आगे मस्तक झुका रहे थे, एक विदेश से आए जो इंजीनियर्स वो भी। तो ये देखिए मजदूर जो येलो जैकेट के अंदर हैं, बाहर निकलने की कितनी खुशी होगी इनके मन में। आप सोचिए 17 दिन अनिश्चितताओं के बीच एक अंधेरे कुएं में आप पड़े हुए हैं, लाइट वहाँ थोड़ी दे भी दी जाए उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति 24 घंटे, अब जब विषम परिस्थितियों में आदमी होता है ना तो एक एक मिनट निकालना मुश्किल होता है। मैंने कहा था ना पूरी खुशखबरी इसी शो के दौरान आ जाएगी। तो अब 20 मजदूरों को निकाल लिया गया है, 21 मजदूरों को निकालने का काम फिलहाल बाकी है। तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से ये सब हुआ है, वहाँ के स्थानीय लोगों का यही मानना है। और अंजलि भी बता रही थी, अंजलि बताइए किस तरीके से वहाँ पर एकाएक मंदिर भी बन गया टनल के सामने, पूजा भी शुरू हो गई, इस श्रद्धा के बारे में क्या कहेंगे। और वैसे भी कहा जाता है कि ये जो प्रदेश है ये तो भक्ति का प्रदेश है।